जय हिंद, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल कॉल पोस्ट। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अनपरा बाजार में, और अनपरा बाजार में जो हम आपको दिखलाना चाहते हैं वो साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से कम चौड़ी सड़कों ने यहाँ पर जाम लगा हुआ है। और देखा जाए कहीं ना कहीं ये रोज़ की बाज़ार का दिन होता है, रोज़ ये यहाँ पर बाज़ार लगते हैं। एक अनपरा बाज़ार एक काफ़ी बड़ा बाज़ार है, यहाँ पर कम सड़कों के कारण कहा जा सकता है कि कम चौड़ी सड़कों के कारण यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जाम लग चुका है। और जाम ही यहाँ की मूलभूत समस्याएं नहीं है, यहाँ की मूलभूत समस्याएं हम आपको और दिखलाना चाहते हैं कि आप देखेंगे तो पूरे बाज़ार में किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान का दुरुपयोग किया गया है। सड़कों पर जहाँ तहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सड़कों पर कचड़े फेंके गए हैं, और इनका शायद कोई भी सुनवाई करने वाला, देख रेख करने वाला यहाँ पर प्रशासन की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही है या लापरवाही दिखाई दे रही है। और हम यहाँ के लोगों से बात करना चाहेंगे तो जिसके लिए हमें रोड के इस पार आना पड़ेगा। गर्मियों का दिन है, लोग गन्ने का रस पीने के लिए यहाँ मौजूद हैं, और देख सकते हैं कि काफ़ी सारा यहाँ पर जो कचरा है सड़कों पर ही फेंका गया। हम इनसे बात करना चाहेंगे। जी, नाम क्या है आपका? अरविंद कुमार यादव। आप यहीं के? मैं वेणू सागर कॉलोनी का हूँ। कॉलोनी के? हाँ, कॉलोनी। यहाँ पर आना होता होगा आपका? हाँ, यहाँ आना जाना हमेशा। दुकान आपकी है? नहीं, हमारी दुकान नहीं है। अच्छा, तो आप घूमने के लिए आए हैं? नहीं, मैं फल लेने आया हूँ। फल लेने आए हैं? तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं उधर जाम लगी हुई है, ऐसा रोज़ लगता होगा? हाँ, हमेशा है ना, छुट्टियों के समय हमेशा होता है, और शाम के समय बाज़ार के टाइम जब शाम रहता है उस समय ज़्यादा अक्सर देखने को मिलता है ना। तो अभी एक चीज़ तो मैंने यहाँ पर जाम की समस्या देखी, सड़कों पर आप देख सकते हैं कहीं वाला बहुत सारा कचरा फेंका गया है, क्या लगता है सही नहीं? ये तो आने वाले कल के लिए, फ्यूचर के लिए हम लोग के लिए खतरा है, जो कि यहाँ के प्रधान को सोचना चाहिए, गांव समाज को इसके लिए, इसके बारे में मिल के सोचना चाहिए, जो कि नहीं सोचा जा रहा है इसके लिए। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ करती है? सर, मैंने डिप्लोमा किया है। तो बाहर के शहरों में जाते हो, बाहर थोड़ी सिंगरौली में भी जाते होंगे, तो ऐसे कचरे दिखाई देते हैं? ऐसे नहीं दिखाई देते, ऐसे नहीं दिखाई देते। तो कहीं ना कहीं ये एक दया का विषय, मतलब विषय चिंता का विषय है। तो कैसे आप लोग यहाँ के युवा लोग इस पर कोई कदम नहीं उठाते या कुछ आंदोलन नहीं चलता क्या इस दिशाओं पर? यहाँ की जनता में क्या कमी है? क्या जनता में कमी नहीं है? यहाँ क्या है, जैसे कि अगर आपको भीड़ मिलेगी, भीड़ में सब कोई जाना पसंद करेगा, उसके बाद जैसे ही भीड़ बंद होगी कोई आना जाना नहीं पसंद करेगा। ये सिंपल सी लॉजिक है, चाहे कोई भी सरकार हो। आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, सब जानते हैं। देखा जाए तो स्वच्छ भारत अभियान एक योजना चलाई गई थी जिसके लिए शहर शहर गाँव गाँव में स्वच्छ भारत अभियान की गाड़ियाँ जाती हैं, सड़कों पर साफ सफाई भी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में जागरूकता का भी लोग प्रचार प्रसार करते हैं कि साफ़ सफाई के ऊपर कई सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं टेलीविजन्स पे, उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता यहाँ के लोगों पर? नहीं, देखिए प्रभाव तो पड़ता है, कितने दिन प्रभाव पड़ेगा, एक दिन, दो दिन, महीने, साल भर, उसके बाद फिर यही हो जाता है। अगर इसी परिचय जिसकी दुकान है वो सफाई करे, आस पास देखें अगल बगल दुकानें जो हैं इनकी, इनको अगर जिम्मेदारियां दे दी जाए या कोई फाइन ठोका जाए तब ये सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरने वाले। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन अगर थोड़ी कड़ी कार्रवाई करे और एक कुछ नियम और कानून की व्यवस्था की जाए तो यहाँ पर सुधार हो सकता है। देखा जाए तो यहाँ पर कई दिनों से ये समस्याएँ चल रही हैं। चलिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो युवा वर्ग के एक व्यक्ति हमसे जुड़े हुए थे, और हम आपको दिखला दें कि सच में बात की जाए तो अनपरा में बहुत समस्या होती है। अनपरा में सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये है कि जो चारों तरफ जो गंदगी का माहौल है ये सबसे बड़ी समस्या है। आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ गंदगी बहुत है, यहाँ कोई सरकार आती ध्यान नहीं देती है, लेकिन हम चाहते हैं भाजपा सरकार ही आए, ये क्योंकि बहुत अच्छी सरकार है। अभी तो 5 साल हुआ है, 5 साल और इनको देखना है, इनको हम तो हमेशा देखते हैं लेकिन फिर भी देखेंगे, तो बहुत अच्छी सरकार है। हम तो लोगों से यही कहेंगे, अपील करेंगे कि गुड इज़ द फाइनल, इज़ द जर्किंग, इज़ द वर्किंग, अच्छा सरकार है। हाँ, बीजेपी सरकार अच्छी, बीजेपी अच्छा है, ये मोदी के नाम पे वोट इनको दिया जाएगा, मोदी के नाम पर। हाँ, मोदी के नाम पे। तो लगता है कि मोदी जी के आने के बाद आपके यहाँ अनपरा में भी कुछ है? अब वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, अभी इसके पहले कैसे बता दें। चलिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़े आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने घरों से निकल करके वोट जरूर डालें, क्योंकि आप सभी का वोट देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल कॉल पोस्ट, जय हिंद। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।